इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि अपनी USB को बूटेबल कैसे बनाते हैं, कि आप के पास जो USB है आप उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में विंडोज़ के लिए अहल हो जाए, कि उसमें जो आप विंडोज़ इंस्टॉल करना चाह रहे हैं वो USB के ज़रिए इंस्टॉल करते हैं और USB को आप बूटेबल बनाते हैं। बूटेबल का मतलब कि आपका लैपटॉप एक्सेस कर ले उसे या PC जो भी है, कि विंडो उसके ज़रिए आप किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स कैम आज़म यूट्यूब चैनल एंड आई मोहम्मद आज़म जावेद। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने विंडोज़ की जो फाइल है वो डाउनलोड करके रख लेनी है। आप जो भी विंडो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या जो भी विंडो आप USB में बूटेबल बनाना चाह रहे हैं, आपने सबसे पहले क्या करना है, उस विंडो को डाउनलोड करना है। विंडो फाइल को कहाँ से डाउनलोड करना है, विंडो 7 है, 8, 8.1, 10 या 11, कोई भी विंडो आप बूटेबल बनाना चाह रहे हैं USB में, तो उसे आपने डाउनलोड करना है। विंडो डाउनलोड कहाँ से करनी है, आपने विंडो डाउनलोड करने के लिए आपने जाना है getintopc.com। ये वेबसाइट है, इस पर तकरीबन हर तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आपने इस वेबसाइट पर जाना है, जो भी विंडो आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। मेरे पास इस वक्त इंटरनेट की सहूलत नहीं, लेकिन आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और स्ट्रांग इंटरनेट होना चाहिए, 4 से 5 GB या 5 GB तक ये फाइल होगी विंडो की। तो ये आपने ये वाली वेबसाइट जो है, इस वेबसाइट से जाके आपने ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है विंडो की। जैसे ही आप getintopc.com पर जाएंगे, वहाँ पर एक सर्च बार ओपन होगी साइड पे और वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। सर्च बार में आपने लिख देना है विंडो 10, विंडो 8 या जो भी विंडो आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही वो विंडो ओपन होगी, नीचे उसके फीचर और पूरी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी उस विंडो के बारे में, साथ डाउनलोड का बटन भी होगा। आपने वहाँ से विंडो डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में सेव कर लेनी। विंडो की फाइल 4 से 5 GB की आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रूफस एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना है। आपने गूगल से डाउनलोड कर लेना है, अगर उधर से नहीं करना तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दूंगा, आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये मैं अपने ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है लिंक को फॉलो करते हुए। जैसे रूफस आपने डाउनलोड कर लेना है, तो रूफस डाउनलोड करने के बाद आपने USB लगानी है लैपटॉप के साथ। USB को लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ अटैच करने के बाद आपने ओपन करना है किस चीज़ को, रूफस को। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। आपने जैसे ही USB लगाई अपने लैपटॉप के साथ, तो आपकी USB का जो आइकन है वो कुछ इस तरह का होगा जैसे मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो इसको आपने गौर से देख लेना USB लगाने से पहले और बाद। USB लगाते ही आपने देखना इस तरह का आइकन है, इसको मैंने फॉर्मेट किया हुआ है ऑलरेडी। तो अब जाते हैं हम रूफस की तरफ। USB लगा ली, USB लगाने के बाद हमने रूफस जो है वो उसे ओपन करना है। रूफस आपने लिंक से डाउनलोड कर लेना है और अपने लैपटॉप में रख लेना है उसे। ये लें जी, ये मैं रूफस ओपन कर रहा हूँ, रूफस सॉफ्टवेयर है। इसे जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो आपके सामने इसका जो है इंटरफेस ओपन हो गया। तो ये रूफस मुझे कह रहा है कि आप जो है विंडो की फाइल सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने जहाँ पर रखी है मैं उसे बूटेबल बना लूँ। तो मैं इसे यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसकी ये मैंने ऑलरेडी लोकेशन सेट की हुई थी, तो आपके पास जहाँ पड़ी होगी आपने वहाँ से इसकी लोकेशन ट्रेस करनी है और इसे उठा लेना है। ये PC एप्स में जाके मैं यहाँ पर विंडो की फाइल मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी रखी हुई है। तो इस केस में विंडो की फाइल जो है मेरे पास विंडो 8.1, ये मैंने एक फोल्डर बना के रखी हुई है, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये भी मैंने getintopc.com से ही विंडो डाउनलोड करके रखी हुई, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। तो ये इसके पास आ गई, ये देखें ये शो करा रहा है बूट सिलेक्शन में विंडो की फाइल जो है इसने अपने अंदर जो है इंसर्ट कर ली। इसके बाद ये मुझे कह रहा है आप फाइल रेडी है, आप स्टार्ट करें प्रोसेस को। जैसे ही मैं स्टार्ट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये मुझे वार्निंग देता है, ऑल डाटा ऑन डिवाइस विल बी डिस्ट्रॉयड, कि जो भी डाटा इस USB में है ऑलरेडी पहले से वो सारे का सारा डिलीट हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, ये फॉर्मेट होनी चाहिए और मुझे जो है मेरी USB बूटेबल चाहिए। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो ये USB को क्या करेगा, फॉर्मेट कर देगा। आपने किसी और ऑप्शन को नहीं डिस्टर्ब करना, सिंपली आपने क्या करना है, आपने USB को फॉर्मेट करना है। तो ये USB फॉर्मेट करेगा, फॉर्मेट करने के फ़ौरन बाद विंडो को पिक कर लेगा। अभी फॉर्मेट कर रहा है, आप देखें मेरे केस में जो है USB मेरी ऑलरेडी फॉर्मेट थी, तो इसने ये फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर नहीं गया, इसने डायरेक्टली विंडोज़ जो है उसको बूटेबल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फॉर्मेट जो था ऑलरेडी मैंने किया हुआ था, इसने चेक किया, फॉर्मेट थी, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग थी, एक दो फाइल्स उसमें पड़ी थी वो उसने जल्दी से फॉर्मेट की हैं, डाटा सारा डिलीट करके विंडो फाइल जो है वो कॉपी करना स्टार्ट कर दी, बूटेबल होना शुरू हो गई है। थोड़ी देर लेगी, 2-4 मिनट के बाद ये विंडो बूटेबल करके हमें दे देगी। जो मेरे पास केस है, इस केस में मुझे लगे 19 to 20 मिनट्स, ये 19 मिनट और ये 20 मिनट्स फुल हो गए।
20+ मिनट्स लग गए। मेरा थोड़ा सा हार्डवेयर स्लो है इसकी विंडो अपडेट करने वाली, तो वो भी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। तो ये हो गया हमारा 99.2%, 20 मिनट्स लगे विंडो को बूटेबल करने में। तो ये वाला स्टेप जो था हमारा स्टार्ट के बाद वेट करना, ये हम वेट कर रहे हैं। फर्स्ट क्या किया आपने, विंडो डाउनलोड की, अपने लैपटॉप में सेव कर ली, उसके बाद आपने गेट इनटू पीसी पर जाके विंडो डाउनलोड की थी। उसके बाद आपने क्या किया, रूफस डाउनलोड किया डिस्क्रिप्शन में लिंक से, फिर आपने यूएसबी अटैच की, फिर आपने यूएसबी का आइकन चेक किया, फिर आइकन चेक करने के बाद आपने रूफस को ओपन किया, विंडो फाइल सेलेक्ट की, फॉर्मेट की, देन स्टार्ट कर दिया, फिर वेट करना शुरू कर दिया। अब मुझे कह रहा है कि आपकी जो फाइल है वो रेडी हो गई है, बूटेबल हो गई है। अब आपने स्टार्ट का बटन नहीं प्रेस करना, वो मुझे ये ग्रीन वाला ऑप्शन जो शो करवा रहा है, यहाँ पर ये शो करवा रहा है कि विंडो इज़ नाउ बूटेबल। तो हमने देख लिया, वेट भी कर लिया, सारा कुछ ओके हो गया। अब देखना है हमने इसका आइकन ऑब्जर्व करना है, किस चीज़ का, अपनी यूएसबी का जो हमने साथ अटैच की हुई है, इसका आइकन देखें। तो आइकन देखें, आपके पास आइकन बिल्कुल वैसे का वैसे ही, थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखें, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है आइकन इसका। आपने यूएसबी एक बार निकाल के दोबारा लगा के चेक करना है, तो आपकी यूएसबी का जो आइकन है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ऊपर एरो सा शो होगा, इसका मतलब आपकी यूएसबी जो है वो बूटेबल हो गई है। मैंने विंडो 8 इसमें इंस्टॉल बूटेबल की है, तो ये जैसे मैंने यूएसबी निकाल के दोबारा लगाई तो ये हमारी जो है यूएसबी ये बूटेबल का ऑप्शन शो करवा रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो है अपना यूएसबी वो बूटेबल हो गई है, हमारी विंडो इज़ रेडी नाउ। तो आप अब क्या करेंगे, अब विंडो के लिए ऑनवर्ड प्रोसीड करेंगे। इसका क्या प्रोसीजर है मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर एक मैं शॉर्ट सा बता देता हूँ कि आपने फिर क्या करना है, आपने जाना है गूगल पर, वहाँ पर टाइप करना है आपके पास जौन सा भी लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसका आपने मॉडल लिखना है। कि जैसे मेरे पास लिनोवो का लैपटॉप है, इसका मैं मॉडल लिखूँगा कि हाउ टू बूट लिनोवो लैपटॉप, और ऊपर आगे मैं इसका जो है मॉडल मेंशन करूँगा। गूगल पर मैं जाकर टाइप करूँगा, गूगल पर आप भी जाकर टाइप करेंगे कि हाउ टू बूट माई लिनोवो लैपटॉप, आगे उसका मैं मॉडल लिख दूंगा। आपने क्या लिखना है गूगल पर, गूगल पर जाकर लिखना है आपने हाउ टू बूट माई लैपटॉप, माई या वैसे सिंपल लिख दें बूट लिनोवो लैपटॉप, मॉडल आप आगे लिख देंगे। जैसे मेरे केस में कोई भी मॉडल है तो वो मैं मेंशन कर दूंगा, या मॉडल ना भी लिखें तो आपको एक बूट की बताएगा कि जब आप लैपटॉप ऑन करते हैं तो वहाँ पर कौन सी बूट देनी है। तो आपने सिंपली क्या करना है, वो आपको जो की बताएगा उसको आपने याद रख लेना है, और अपने पीसी को सिंपली या लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के फ़ौरन बाद जो ऊपर की मांगेगा, एसपी के केसेस में या हायर के केसेस में आपसे मोस्टली वो ESC मांगता है, एस्केप की है, उससे ऑनवर्ड फर्दर प्रोसीड करते हैं F9 पर आप, कि मैंने विंडो जो है अपना लैपटॉप का सेटअप स्टार्ट करना है F9 से, तो ऑनवर्ड आपकी विंडो स्टार्ट हो जाती है। वो तकरीबन हर पढ़ा लिखा आदमी कर लेता आगे से, लेकिन मेरे केस में जो लिनोवो का लैपटॉप है इसमें एक थिंक वांटेज का ब्लू बटन है वो प्रेस करना पड़ता है, फिर F12 प्रेस करता हूँ, फिर F9 पे बूट जाकर देनी पड़ती है मुझे। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूँगा। अब तक के लिए इतना ही, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।